बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अमन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फूड यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल में बनाना सिखाऊंगी नहायत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी, लेयर्स वाली ब्राउनीज। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैदा मैंने लिया है 6 टेबल स्पून, शुगर मैंने ली है 7 टेबल स्पून, कोको पाउडर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, 2 मैंने अंडे लिए हैं, वनीला एसेंस मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, कॉफ़ी मैंने ली है 1 टेबल स्पून और गर्म पानी मैंने लिया है 1/4 कप। ओवन को मैंने जो है वो दोनों ऊपर और नीचे वाले रोड ओपन कर लिया और 180 डिग्री पर रख लिया और अब हम लोग प्री हीट होने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। एक बड़ा सा बाउल हमने ले लिया और इसमें हम लोग सबसे पहले डालेंगे अंडे। और इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। शुगर जो है वो मैंने आइसिंग शुगर नहीं ली, नॉर्मल शुगर है, तो इसको भी हम लोग अंडों के साथ ही डाल देंगे स्टार्ट में, ताकि जो हमारी शुगर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये जो मेरे पास गर्म पानी है ये 1/2 जो है मैं इस बाउल में डाल के इसमें जो है कॉफ़ी डाल दूंगी, ताकि कॉफ़ी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। और ये जो 1/2 गर्म पानी है इसको मैं इसमें डालकर इस मिक्सचर में और अच्छी तरीके से अपने जो अंडे और चीनी है उनको अच्छी तरीके से और बीट कर लूँगी। और अब मैं इसमें वनीला एसेंस और कॉफ़ी, ये दोनों चीज़ें डालकर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा छानकर और कोको पाउडर, दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉरी, मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई, इसमें हम लोग 1/4 कप जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें मक्खन या घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 1/4 कप इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। और अगर आप मक्खन या घी ऐड करेंगे तो आप इसको स्टार्ट में अंडों के साथ ही ऐड कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको हम लोग 4 से 5 मिनट मुसलसल इसमें ये स्पून चलाएंगे, क्योंकि ये मैंने एंड पे डाला है इसलिए मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे। और आप अगर इसको स्टार्ट में डालते हैं तो बस जस्ट आपको इस मिक्सचर को मिक्स करना होगा। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और ये देखें, ये नॉर्मल जैसे हमारा केक का मिक्सचर होता है वैसे हो गया। ऑयल इतना वो ऑयली सा नहीं हुआ। तो चले अब हम लोग इसको ब्राउनीज बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑयल मैंने ट्रे पेपर लगा के इसके ऊपर ऑयल लगाया और अब ऑयल को हम लोग हर अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से लगा देंगे ट्रे पेपर के ऊपर। और अब हम इसमें अपना ये जो केक ब्राउनीज का मिक्सचर है वो डाल देंगे। मिक्सचर को हम लोगों ने ट्रे में डाल दिया और इसमें एयर बबल्स ना बने इसलिए 2 मिनट के लिए इसको हम लोगों ने जो है वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। और अब हम इसको
जो है ओवन में डालने लगे और 20 मिनट के लिए, 180 डिग्री है और 20 मिनट के लिए इसको हम ओवन में डाल देंगे। क्रीम मैंने ली है 1/4 कप और 225 ग्राम मैंने ली है चॉकलेट। ये मेरी मीठी चॉकलेट है इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी। ये डबल बॉयलर है यानी कि नीचे मैंने देख के मैं पानी डाल दिया और उसके ऊपर मैंने शीशे का बाउल रख लिया और अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट और चॉकलेट को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पे ब्राउनीज हमारी बिल्कुल रेडी है, ये देखें। और अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। अब इसको 5 से 6 मिनट हम लोग जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसमें इसको जो है वो डेकोरेट करेंगे। ये देखें चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, विप क्रीम ले लें, कोई भी क्रीम ले लें, नॉर्मल ऑल्पस वालों की, मिल्क वालों की, मिल्क पैक वालों की, कोई सी भी लेकर वो इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरीके से अब हम लोग मिक्स करेंगे। ये देखें चॉकलेट जो है हमारी वो बिल्कुल तैयार हो गई है, क्रीमी चॉकलेट हमारी तैयार है। और अब हम लोग फ्लेम ऑफ करके इसको थोड़ी देर इस पर जो गर्म पानी है उसी में ही जो है वो रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए। कि इसके ऊपर से हम लोगों ने पीछे से बैक साइड से इसे इसका जो क्रे पेपर था वो उतार लिया और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यह देखिए मैंने इसकी कटिंग करके इसकी लेयर्स बनाकर इसको ऐसे रख लिया और अब हम लोग जो चॉकलेट बनाई है वो उसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो तैयार है मज़ेदार किस्म की हमारी लेयर्स वाली ब्राउनीज। ये देखें ये कितने मज़े की बनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।